हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो ठीक आई हैं, नॉर्मल आई हैं। कल अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर को छुट्टी मिल चुकी है अस्पताल से। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जब वो वहां पर भर्ती हैं और उनकी सभी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। कल सांस लेने में उनको दिक्कत हुई थी और तुरंत उनको आनन फानन में यमुनानगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देखिए, हमने सारी जो उनकी जांच है वो करवा ली है। हमने कदर डॉक्टर करा लिया, इको करा लिया, सीटी करा लिया, होल्डर टेस्ट करा लिया है, सब कुछ सामान्य पाया गया है। इको जो ये कदर डॉक्टर में थोड़ा सा सर्वाइकल जो वेसल्स हैं उसमें थोड़ा हल्का सा एज रिलेटेड चेंजेस आए हैं जो उम्र के साथ आ जाते हैं। तो अब मंत्री जी को छुट्टी दे दी गई है यहाँ से और अब प्रिकॉशनरी इनका एक तो जैसे वो उनकी एज भी होगी 62 साल की और जो वो जो थक्के वाला जो जमने वाली जो प्रक्रिया होती है जो नेचुरल प्रक्रिया होती है तो उसके लिए एक हार्ट एक मेजर ऑर्गन है। तो हम डॉक्टर से सलाह करके यही आइडिया किया कि हम एंजियोग्राफी कराएंगे और एंजियोग्राफी हम नॉन इन्वेजिव MRI एंजियोग्राफी के लिए मंत्री जी के जो स्टाफ वाले हैं वो PGI पे संपर्क कर रहे हैं। अब आज या कल में वो वहाँ पे टेस्ट उनका हो जाएगा। तो अब स्वस्थ हैं, उनका BP नॉर्मल है, BP की दवाई शुरू कर दी गई है और बाकी सारे जांच के रिपोर्ट सब कुछ नॉर्मल है। तो बस उनको थोड़ा रेस्ट करने की सलाह दी गई है, थोड़ा आराम करें और रेस्ट रखें, अपना ज़्यादा हेक्टिक ना रखें शेड्यूल और अपने जो प्रिकॉशनरी जो मेडिसिन जो BP वगैरह की दवाइयाँ हैं वो लेते रहें।